यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि और मेरे साथ इस कार्यक्रम में हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीरी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। दाता खुशियां दे, माता रानी सुखी रखे। हम में से बहुत से लोग विदेश में जाकर बसने, विदेश यात्रा करने का सपना देखते हैं, लेकिन सपने तो सपने होते हैं। आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि किस्मत में होगा तो विदेश जाने का मौका जरूर मिलेगा। ऐसे भी कई लोग हैं जो विदेश जाने का सपना देखते हैं लेकिन उनमें उनका पूरा जीवन निकल जाता है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कई बार विदेश यात्रा कर लेते हैं। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? विदेश यात्रा करने का रहस्य मनुष्य की जन्म कुंडली में ही है। इस विषय को आज हम विस्तार से जानेंगे और इसके साथ ही आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी आपको हम बताएंगे। तो गुरुदेव, सबसे पहले हम जानते हैं कि कुंडली में आखिर कौन सा योग विदेश में पढ़ाई के योग बनाता है। जन्म कुंडली के अंदर बहुत सारे हालात बनते हैं और जन्म कुंडली का तीसरा घर, जन्म कुंडली का 12वां घर और जन्म कुंडली का 9वां घर, ये तीन घर ऐसे हैं जो विदेश लेकर के जाते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर बच्चा जिस महादशा के अंदर पैदा हुआ है उस चीज़ की पढ़ाई करने के लिए इंसान विदेश में जाता है, बशर्ते कि वो ग्रह तीसरे, 12वें या 9वें घर के अंदर बैठा हुआ हो। तो ये टेक्निकल चीज़ है। ऐसी अवस्था में आपको स्वयं अपनी कुंडली देखनी पड़ेगी कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जिस महादशा में आप पैदा हुए हैं वो ग्रह अगर 9वें, 12वें या 3रे घर में बैठा हुआ है तो आप विदेश पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। एक तो ये योग है। दूसरा, अगर जन्म कुंडली के चौथे घर के अंदर केतु देव विराजमान है, शनि खराब विराजमान है, तब भी आप विदेश में जा सकते हैं। और अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु देव 3रे, 8वें या 12वें घर के अंदर बैठे हुए हैं तब भी आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो ये योग बनते हैं विदेश जाने के और विदेश जाकर के पढ़ाई पूरी करने के। तो चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन अब बात करते हैं तीन राशियों के बारे में। ये राशियां हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि। मेष राशि, भाई सफलता पा पा करके थकने लग गए, चलो खुशी मना लीजिए क्योंकि आज खुशी मनाने का दिन है, अपनों के साथ में प्रसन्न रहने का दिन है, तो इसीलिए पूजा भाई लक्ष्मी नारायण जी। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों का आज अपने काम में मन नहीं लगेगा, भटकाव की स्थिति रहेगी और इस भटकाव की स्थिति के अंदर चोट लगने का खतरा बड़ा है। तो इधर उधर भटकना, इधर उधर जाना, टू व्हीलर को संभाल के चलाना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा बचाव रखना बेटा। और आज के दिन खास तौर पे चांदी किसी भी रूप में अपने पास रखना और दूध और पानी का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों के लिए काम के अंदर लाभदायक स्थिति है और चुस्ती फुर्ती हर तरह से आपके कार्यों की सफलता बनेगी और परिवार वालों के साथ अच्छे और मधुर संबंध आज के दिन खुशी ही देंगे। बस दूध को आज उबल करके गैस पे ना गिरने दे और मंदिर में थोड़ा मीठा जरूर चढ़ा। गुरुदेव, इससे पहले तो हमने चर्चा की कि पढ़ाई के योग के लिए कुंडली में कौन से ग्रह दशा का सही होना जरूरी है, लेकिन अब बताइए कि विदेश में जाकर जॉब करने के लिए कुंडली का कौन सा योग होता है? ये सारे जो योग मैंने बताए हैं इनके अंदर भी अगर ये लंबे समय तक आए हों, जैसे कि 5 साल, 7 साल, 10 साल के लिए कोई महादशा चल रही है और उसके अंदर का ये ग्रह है। अब मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ, आम लोगों को शायद तकलीफ होगी लेकिन जो थोड़ा भी ज्योतिष को जानते हो उनको बहुत आसानी हो जाएगी। अगर मान लीजिए जन्म कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह जिसकी महादशा चल रही है उसकी एक राशि 12वें घर में आ रही है, दूसरी राशि उसकी 3रे घर में आ रही है, तो ऐसा इंसान अगर विदेश का प्लान बनाता है तो बहुत कामयाब होगा और विदेश में जा कर के ही कमाएगा, चाहे नौकरी करे या व्यापार करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन विदेश में जा कर के ही कमाएगा। और अगर कहीं ग्रह स्वयं 9वें घर में, 11वें घर में, 10वें घर में बैठा हुआ और उसकी राशि 12वें और 3रे घर में बैठ गई तो समझ लीजिए ये सफलता
यानी कि विदेश में जाकर के असीम सफलता पाने का भी समय है, ठीक है। और ऐसे में इंसान विदेश में जाके बहुत अच्छी सफलता पाता भी है। लेकिन अगर छठा घर में बैठा हुआ ग्रह हो और बारहवें और तीसरे में उसकी राशि हो, तो ऐसी अवस्था में विदेश में जाकर के इंसान नौकरी करता है। और लेकिन अगर सातवें में और दसवें के अंदर ग्रह बैठा हुआ हो, चौथे के अंदर ग्रह बैठा हुआ हो और बारहवें और तीसरे घर में उसकी राशि हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर इंसान विदेश में जाकर के व्यापार करके या कुछ किसी को सिखा पढ़ा करके कमाई करता है, ठीक है। लेकिन जन्म कुंडली के आठवें घर के साथ में संबंध हो या तीसरे में ही ग्रह बैठा हुआ हो और बारहवें घर में और तीसरे घर में उनकी राशि भी हो, तो ये विदेश में जाके सफल होना असफल होना, सफल होना असफल होना, इस तरह के हालात बनाता है। तो इन योगों का अगर आप ख्याल करते हैं, अगर ये योग आप जांचना चाहते हैं, तो एस्ट्रो साइंस ऐप को डाउनलोड करके आप उसके अंदर प्रेजेंट अंतरदशा के अंदर देखिए कि आपका विदेश का योग बन रहा है कि नहीं। नहीं तो विदेश यात्रा की स्पेशल एक कैटेगरी बनी है, उसमें क्लिक करिए, आपको वो सारी डेटें नज़र आ जाएंगी जिन डेटों के अंदर आप विदेश जाना चाहते हैं। अब जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के इंतजार को खत्म करते हुए आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए वो कहावत सच होने वाली है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। कहने का मतलब जिस जिस चीज़ पे भी मेहनत करोगे, जिस चीज़ के लिए खास प्रयास करोगे, वो आज आपकी ज़रूर सफल होगी। और इसीलिए थोड़ा सा गुड़ भी मंदिर में देना पड़ेगा, ज़रूर दे, शुभता बढ़ेगी। सिंह राशि, हर काम ईमानदारी के साथ जो भी करेंगे उसमें सफलता ही सफलता। इस बीच में कोई यार दोस्त कोई जानकार उसके घर में खुश हैं और खुशी मनाने का मौका भी मिलेगा और अपनों का पूरा सुख मिलेगा और खानदान के किसी लोगों की तरफ से भी शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बस हनुमान जी को कुछ मीठा अर्पण कर दीजिए। कन्या राशि वालों ने अगर आज कोई खर्चे वाले खास डिसीजन लिए तो उसके अंदर आपको नुकसान होगा, तो इसीलिए आज बुद्धि क्योंकि पूरी तरह से साथ नहीं है, तो आज जिनकी चीज़ों के ऊपर भी आपका पैसा खर्च होना है, समय लगना है, उनको थोड़ा सा स्थगित करके चले और आने वाले दिनों का थोड़ा इंतजार करें। कन्याओं को कुछ मिठाई दे, आशीर्वाद लें, दिन शुभ हो सकता है। गुरुदेव, विदेश में अगर कारोबार करना चाहते हैं, आयात निर्यात करना चाहते हैं या विदेश में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं, तो कौन सा योग महत्वपूर्ण होता है? जन्म कुंडली का चौथा घर, उसके अंदर जो भी राशि है, वो राशि का ग्रह अगर तीसरे बारहवें या नौवें घर के अंदर बैठा हुआ है और उसकी दूसरी राशि किसी तरह से अगर दसवें घर से भी संबंध रखे या छठे घर से भी संबंध रखे तो या सातवें घर से संबंध रखे, तो ये व्यापार के योग बनते हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के योग बनते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर चौथे घर का ग्रह इसका तीसरे नौवें बारहवें के साथ में संबंध होना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सबसे उत्तम है। और ऐसे में विदेश में जाना आना, वहाँ सिलेक्शन करी फिर आना, वहाँ से माल मंगवाया फिर जाना, पैसे लेने के लिए पैसे देने के लिए जाना, ये आना जाना लगा रहता है। और बहुत सारी दुनिया ऐसी है बेटा जो महीने के अंदर 15 दिन फ्लाइटों में रहती है, उनके लिए भी ये योग पूरी तरह से काम करता है, क्योंकि चौथा घर का संबंध है। तो रोज़ जा कर के अपने पैदाइश स्थली पे वापस आएगा, रोज़ जा कर के अपने घर परिवार के पास वापस आएगा, ये योग बनता है। और अब आगे की तीन राशियां, ये राशियां हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का इंतजार खत्म करते हैं। गुरुदेव से जानते हैं आज का दिन उनके लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों को काम के अंदर बाधाएं आएंगी और इन बाधाओं के चक्कर में अपने जानकारों के साथ अपने भाइयों के साथ में अगर कोई तनाव वाली बात खड़ी कर दी तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ी सी सौंफ या केसर ये मंदिर में देके शुरुआत करें और पॉजिटिव रहें, दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि वाले जिस जिस चीज़ पे भी मेहनत करेंगे और कोई भी कार्य करें उसके अंदर सफलता का दिन है, लेकिन मेहनत के साथ, आराम से नहीं होगा, ठीक है। और इसके साथ ही अगर परिवार वालों के साथ वक्त बिताना है तो भी सारे काम आप ही को करने पड़ेंगे, तो मेहनत का देना कोई बात नहीं करिए। और सुबह के वक्त में पानी का कुंभ घर में स्थापित करके तब घर से निकले और बड़ों का आशीर्वाद लेके निकले, दिन और सफल होगा। धनु राशि,
धनु राशि वालों के यहाँ अनचाहे मेहमान आ सकते हैं, परेशानी का कारण बन सकते हैं, नुकसान का कारण बन सकते हैं, मन में अजीब सा डर बना रहेगा और उस डर के कारण कुछ भी सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए खोई की मिठाई मंदिर में अर्पित करके अपने इष्ट देव से आशीर्वाद ले और धैर्य रखे, आने वाले दिन शुभ हो जाएंगे। गुरुदेव, कुछ लोग ऐसे तो होते हैं जो विदेश जाकर बसना चाहते हैं, इन लोगों के लिए कुंडली में कौन सा योग देखा जाता है? आज तुमने बहुत सारे लोगों की समस्या का हल निकालने का सवाल कर दिया। बहुत सारी दुनिया विदेश तो जाना चाहती है, कईयों के तो कुदरती योग होते हैं, उनकी आइल्स भी बहुत जल्दी हो जाती है, उनका वीज़ा भी जल्दी लग जाता है, बिना तकलीफ़ों के डॉक्यूमेंट सारे पूरे हो जाते हैं, चुटकियों में निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कई लोग जाना तो चाहते हैं लेकिन पापड़ बेलते हुए उम्र बीतती चली जा रही है लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। ऐसे में विदेश जाने के योग जन्म कुंडली में नहीं होते हैं, सिर्फ चाहत होती है, ठीक है। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, बहुत देर से तकलीफें झेल रहे हैं और उनके डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं हो रहे हैं, इन लोगों के लिए अमृतमयी लाल किताब का एक उपाय है। जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर के साथ में अगर केतु का संबंध हो तो इंसान विदेश जाता है। 12वें घर के साथ केतु का संबंध हो तो विदेश में कामयाब होता है। 12वें घर के अंदर केतु देव का संबंध हो तो विदेश में बच्चे भी जाके पैदा करता है। तो यानी कि संपूर्ण उपाय तो यही बनता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर हम अगर बृहस्पति और केतु को जन्म कुंडली के 12वें घर में स्थापित करते हैं तो इंसान की विदेश जाने की जो मेहनत वो कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, उसमें कामयाबी पूरी तरह से कामयाब होगी और उनको इसका फल मिलेगा। तो उपाय क्या है? 43 दिन लगातार एक दो रंग के कपड़े लाएं, एक सफ़ेद एक काले रंग का। जो काले रंग का कपड़ा है वो आगे से बिल्कुल कोना बनाते हुए आपने बनाना है और पीछे का जो सफ़ेद रंग का है वो डंडे के साथ में जो आपने एक होल बनाना है डंडे के लिए, ये एक तिकोना झंडा बनाएं सफ़ेद और काले कपड़े को मिला करके। लेकिन कोने वाला हिस्सा काला और पीछे वाला हिस्सा जो डंडे में लगेगा वो सफ़ेद, ये बना करके तिकोना झंडा 43 दिन डंडा लगा करके मंदिर की छत पर लगाए, गुंबद पे नहीं, छत पे, छत पे ये लगाना है। तो ये केतु की स्थापना जन्म कुंडली के 12वें घर में होगी। इसके साथ में अपने घर की छत पे हर रोज थोड़ी सी चने की दाल आपने वो गिरानी है ताकि पक्षी चुग जाएंगे, कोई बात नहीं। तो हर रोज चने की दाल घर की छत पे गिराएं और काला सफ़ेद ये झंडा केतु की स्थापना ये मंदिर की छत पर लगाएं तो आपका विदेश जाने का सपना पूर्णतः सच होने वाला है और पूरी कामयाबी के साथ में सच होगा। देखिए, ये उपाय गुरुदेव ने बता दिए हैं कि अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो कैसे और कौन से उपाय आपके लिए आपकी राह को आसान बना सकते हैं। अब आखिर की तीन राशियों के बारे में जानते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। मकर राशि वालों के लिए खट्टा मीठा है। भाई, काम के अंदर सफलता तो लिखी है लेकिन स्वास्थ्य में गड़बड़ी नजर आ रही है, तो इसीलिए स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें और चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा शहद भर के वो जेब में रखें, तब स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम हालात बनेंगे। कुंभ राशि के वो लोग जो आज परिवार की किसी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने वाले हैं, उनके लिए दिन शुभ है और कामकाज के लिए भी ठीक ठाक है। लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए भी स्वास्थ्य को लेकर के ही दिक्कत दिखी है, इसीलिए सुबह थोड़ा सा शहद आप खा करके और मंदिर में दूध दे करके दिन की शुरुआत करें, दिन उत्तम होगा। मीन राशि वालों के लिए अभी भी दिन शुभ नहीं है, इसमें भी तकलीफ लिखी हुई है, स्वास्थ्य को लेकर के, रिश्तेदारी के अंदर किसी तरह के स्वास्थ्य की दिक्कत, अपने स्वास्थ्य में दिक्कत, कामों का खराब होना, आलस्य आना, ये सारी चीज़ें। थोड़ा सा सिंदूर मंदिर में अर्पित कर दीजिए, दिन शुभ होगा। गुरुदेव, कुछ लोग सिर्फ विदेश घूमने के शौकीन होते हैं तो क्या इसमें भी कुंडली का योग मायने रखता है? बिल्कुल मायने रखता है। तुमने एक शब्द इस्तेमाल किया, शौक। शौक शुक्र देता है, शुक्र का घर सातवां घर होता है और सातवें घर में बैठे हुए ग्रह की राशि अगर तीसरे और 12वें घर के साथ संबंध करती है तो ऐसी अवस्था के अंदर शौकिया रूप से आदमी विदेश में घूमने जाता है, या सातवें घर में बैठा हुआ ग्रह इसकी महादशा, अंतरदशा, प्रयंतरदशा जब भी आएगी उस वक्त में इंसान शौकिया तौर पे विदेश में घूम के आएगा और पूरी मौज मस्ती करके आएगा।
तो ये चीज़ आप हमारी ऐप से भी जान सकते हैं, एस्ट्रो साइंस ऐप से, और अपने पास कोई भी आपके यहाँ काबिल ज्योतिषी हो तो उससे आप पता कर सकते हैं कि सातवें घर में बैठे हुए ग्रह का समय कब आ रहा है अंतर्दशा में, तो तब आप विदेश की यात्रा करके वाकई में अपने शौकों को पूरा कर सकते हैं। गुरुदेव, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग घूमने के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि उनके बारे में ही हम बात कर रहे हैं, विदेशी नहीं बल्कि देश में भी, तो क्या घूमने के शौकीन लोगों के लिए भी कुंडली में कोई विशेष योग होता है? कहते हैं सात समुंदर पार की यात्रा चंद्रदेव करवाते हैं और सूखी जमीन की यात्रा ये केतुदेव करवाते हैं, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में अगर जन्म कुंडली के अंदर केतु का संबंध तीसरे घर के साथ में रहे या बारहवें घर के साथ रहे तो ऐसा इंसान बहुत घूमने वाला होता है, अपने देश में भी विदेश में भी वो घूमता है। लेकिन जिनके चंद्रमा का संबंध तीसरे घर के साथ बन जाए, बारहवें घर के साथ बन जाए, ऐसा इंसान समुंदर पार की यात्राओं के अंदर वो घूमता है और पहाड़ी इलाके का भी बनता है। पहाड़ी इलाके के लिए शनि देव को देखा जाता है क्योंकि वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। तो ऐसे लोग जिनके शनि का संबंध दूसरे घर से, तीसरे घर से, चौथे घर से और बारहवें घर से बनता है, इन लोगों को सूखे एरिया पसंद नहीं आते, इनको ग्रीनरी वाले पहाड़ पसंद आते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर पहाड़ों के ऊपर जाकर के घूमने का जो रास्ता है वो शनि देव तैयार करते हैं। और रेगिस्तानी इलाके में भी घूमने का ग्रह है क्योंकि रेगिस्तान के कारक मंगल देव है जिनमें पानी का अंश नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी अवस्था के अंदर अगर मंगल खराब का संबंध तीसरे घर के साथ हो जाए तो जितने भी फौजी हैं वो तीसरे घर के मंगल के कारण ट्रांसफ़र पे रहते हैं, और जिनकी ट्रांसफ़र वाली जॉब होती है कि मियां जम्मू में है और बीवी कन्याकुमारी में है, ऐसे जो हालात है ये खराब मंगल भी देते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर आदमी अपने घर पे उसका मन नहीं टिकता, हमेशा वो बाहर ही रहता है या नौकरी की मजबूरी के कारण भी उसको दूर दूर और सूखे इलाकों के अंदर घूमना पड़ता है। देखिए, गुरुदेव ने बता दिया है और आप उन उपायों का ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपकी इच्छा है विदेश में जाकर के बिजनेस करने की, विदेश में घूमने की या फिर विदेश में सेटल होने की, अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय ज़रूर करें। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या पर्सनली उनसे बात करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर है 9999905922। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं दुखों का अंत हो जाए तो इसके लिए एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का, आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ देखना ना भूलें एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।